हाय गाइस, बी टाउन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे पुष्पा 2 मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो चले दोस्तों, बिना देखे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा मूवी को बहुत सारा प्यार मिला था पिछले साल और इसी के साथ पुष्पा की दूसरे सिक्वल का अनाउंसमेंट भी कर दिया गया था कि जल्द ही वो मूवी रिलीज होने वाली है और अब वो मूवी आने का वक्त आ गया है। पिछले साल ही अल्लू अर्जुन ने इस मूवी में अपने एक्टिंग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता था। पुष्पा द राइज की सफलता के बाद इनका जो दूसरा सिक्वल आने वाला है वो साल की सबसे बड़ी मूवियों में से एक रहने वाला है। इस मूवी को इस साल स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज किया जाना था जो रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन से टकरा रही थी, लेकिन कुछ महीने पहले ही ऐसी खबरें आने लगी है कि सिंघम अपनी शूटिंग पूरी न होने के कारण डेट छोड़ रही है। इस प्रकार पुष्पा के लिए स्लॉट खुल रह गया और अब कुछ दिन पहले ये फिर से बताया गया कि पुष्पा भी डेट छोड़ रही है क्योंकि उन्होंने भी शूटिंग पूरी नहीं की है। इस प्रकार 15 अगस्त का वीकेंड जॉन एब्राहम की वेदा से लेकर अक्षय कुमार की खेल खेल में और श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 जैसे कई फिल्मों के लिए खुला रह गया है। हाल में ये ऐसी खबर आ रही है कि पुष्पा जिसकी शूटिंग में अभी 2 महीने से ज्यादा समय बाकी है, जो शूटिंग है वो अभी तक कम्प्लीट नहीं है, तो क्रिसमस के वीकेंड पर इस मूवी को रिलीज करने की योजना बनाई जा रही है। अल्लू अर्जुन की खराब सेहत के कारण शूटिंग में देरी हुई है और उन्हें ठीक होने में काफी समय लगा। क्रिसमस आमतौर पर आमिर खान के नाम होता है क्योंकि उनकी ज्यादातर फिल्में जैसे धूम 3, पीके, दंगल, गजनी, 3 इडियट्स इस दौरान ही रिलीज हुई है और इस बार भी उन्होंने क्रिसमस पर अपना नाम लिखवा ही दिया है। उनकी क्रिसमस पर सितारे जमीन पर मूवी रिलीज होने वाली है और आमिर खान की मूवी भी पहले से ही अक्षय कुमार की मूवी वेलकम टू जंगल के साथ टकरा रही है। तो इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि अक्षय कुमार इस मूवी को छोड़ देंगे क्या, क्योंकि इस बार पुष्पा भी इसी क्रिसमस के वीकेंड पर रिलीज हो सकती है। तो एक ही साथ क्रिसमस पर 3 बड़ी मूवी रिलीज होने वाली है तो बहुत ही बड़ा जंग होने वाला है। तो फिर आपको क्या लगता है कि आमिर खान की मूवी जीतेगी या फिर अक्षय कुमार की, या फिर ये दोनों पर साउथ की मूवी भारी पड़ेगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आगे तीनों मूवी से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बी टाउन हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।